हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की आपकी वैकेंसी के बारे में, जिसकी आपकी जो भर्ती निकली है, अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, जो कि ग्रेजुएशन 12th आपका डिप्लोमा होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेनिंग रहेगी, उसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं आपकी जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखते हैं आपकी जो वैकेंसी है, ट्रेंड अप्रेंटिस की बात करेंगे, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें पोस्ट पोजीशन अवेलेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ ट्रेंड, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, जो आपका अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट AOCP 98 है, पास्ट आपका होना चाहिए BSc केमिस्ट्री विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक, या आपका बायोलॉजी होना चाहिए। 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 1/11/2020 को मिनिमम आपके जो परसेंटेज होना चाहिए 50। लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल आप प्लांट के दे सकते हैं, 7 हैं आपको। सेम यहाँ पे रखा गया BSc विद फिजिक्स आप दे सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड आपका मैथमेटिक्स या बायोलॉजी। 1 साल का 25 50 आपके 25 एज है, 11/11/2020 को, ठीक है, 50 आपका क्वालिफिकेशन होती है। सेम इसी में यहाँ पर देखते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का, यहाँ पे पास्ट BSc आप दे सकते हैं, 1 ईयर आपकी ट्रेनिंग 25 50 रखा गया है। यहाँ पे मेंटेनेंस मैकेनिकल केमिकल प्लांट की आप दे सकते हैं, यहाँ पे आपको पास होने HSC विद साइंस या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी है, 2 साल का कोर्स है, 21 50 एज रख आपकी, 21 आपकी एज, 50 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिशियन बॉयलर अटेंडेंट मैकेनिस्ट की बात करें, यहाँ पे 3 है, आपका पास होने HSC साइंस या मैथ होना और उस मैथ होना चाहिए, 2 ईयर का 21 50। आप बॉयलर अटेंडेंट की 4 दे सकते हैं, HSC विद साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, 2 साल का 21 50 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैकेनिस्ट के आप दे सकते हैं आपका HSC विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, 2 साल का 21 50। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक का दे सकते हैं, 1 पास्ट आपका होना चाहिए 8 क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकोगनाइज स्कूल से, 1 ईयर 3 महीने का रहेगा, 21 50 रखिए। स्टेनोग्राफर आप दे सकते हैं, ठीक है, 40 पास्ट HSC, प्रेफरेंस विल बी ग्रेड आपको दी जाएगी ग्रेजुएशन या आप जो कंप्लीट कर रखा है डिप्लोमा एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट या इक्विवेलेंट, 1 साल 3 महीने 21 50 रखी गई है। सेक्रेटरी असिस्टेंट की 50, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। HSC विल बी प्रेफरेंस विल बी ग्रेवन आपको दी जाएगी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, 1 साल 3 महीना 25 एज रखी गई, 50 दे रखा है। हॉर्टिकल्चर की दे सकते हैं 8 है, यहाँ पे HSC होना चाहिए, 2 साल का आपका 25 50 रखा गया। हाउसकीपर हॉस्पिटल का यहाँ पे दे सकते हैं आपसी SSC रखा गया है, 1 ईयर 6 मंथ का 25 50 रखा गया है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपको फूड प्रोडक्शन जनरल में देखते हैं 1 SSC, 2 ईयर का आपका कोर्स रहेगा, 2 साल की ट्रेनिंग 21 आपकी एज, 50 आपका आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो यहाँ पे 50 आपका सारी में रखा गया है, तो ये आप देख सकते हैं आपका एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 16 है, ठीक है। पास्ट आपको दे सकते हैं MBA, HR, MSW, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्री रिलेशन, 2 ईयर फुल टाइम कोर्स होने, 1 साल की ट्रेनिंग है, 25 आपके 50 रखा गया है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मार्केट ट्रेनिंग है 10, पास्ट आपका MBA, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन मार्केटिंग, 2 ईयर का फुल टाइम कोर्स होने से 1 ईयर 50 और 25 और 50 रखा गया है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट में देते हैं CA, ICFA, ICAW, MFC, MBA, ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर 25 रखा गया, आपका 50 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अकाउंटेंट में 10, पास आपका HSC होनी चाहिए 14 मंथ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 8 मिनिमम ग्रेजुएशन बेसिक इन इंग्लिश नॉलेज 14 मंथ। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से 5 SSC विद 1 ईयर आपका रखा है, 25 आपकी एज होनी चाहिए, 291 आपकी टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ट्रेंड अप्रेंटिस अंडर बोर्ड ट्रेनिंग, आपका जो ट्रेनिंग बोर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको डिप्लोमा दे रखा है, यहाँ पे आपको नंबर रिक्वेस्ट दे रखी है, यहाँ पे आपको डिसिप्लिन दे रखा है, आपकी ड्यूरेशन दे रखी है, आपको ये दे रखा है परसेंटेज, यहाँ पे आपको दे रखा है टोटल आपका 67 है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको बैठ जाएगा, यहाँ पे आपको कंसेशन रिलैक्शन के बारे में आ रहा है तो वो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में आ रहा है, 1/11 आपको मैं बता चुका हूँ आपकी जो ये होनी चाहिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर A टेबल B टेबल की आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। स्टीपेंड की बात कर सकते हैं जो कि आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे देखते हैं क्लास 12th वालों के लिए
डिप्लोमा होल्डर हैं एनी स्ट्रीम या सैंडविच कोर्स के लिए 8,000 पर मंथ, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस और डिग्री अप्रेंटिस वालों के लिए यहाँ पे 9,000 पर मंथ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी प्लेस और ट्रेनिंग आ रही है आपके ट्रॉम्बे एंड थाल एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। आपका मोड आपका सिलेक्शन का मेरिट इज बी ड्रॉन ऑर्डर परसेंटेज सिक्योर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आपकी अप्रेंटिस ओनली वन वीक पीरियड विल गिवन ट्रेनिंग फॉर ज्वाइनिंग, इफ ट्रेनिंग डज नॉट ज्वाइन विद इन द गिवन टाइम एज पर कैंडिडेट विल कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो अप्रेंटिस वाले बनते हैं वो अप्रेंटिसशिप के लिए जिन्होंने डिप्लोमा ले रखा है वो उस पर जाकर आपका आवेदन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या डिग्री होल्डर हैं वो यहाँ पे MHRD की वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ आपका लिंक खोलकर, यहाँ पे सबसे पहले आवेदन करने के लिए लिंक आपको इनका मैंने वीडियो बना रखा है आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ट्रेंड अप्रेंटिस में आपको जाना होगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करने का तरीका बता रखा है। अप्लाई करने का जो आता आपको करना होगा 8/12/2020 से, ठीक है, 10 बजे से आपकी लास्ट डेट है 22/12/2020 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा रिक्रूटमेंट पर आपको जाके इस पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका आ रहा है अप्रेंटिस की आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस पर आपको मिनिस्ट्री जो उस पर आ रहा है इस पर आपको पोर्टल पे अब देखिए इसका पोर्टल अब चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो NATA से आ रही है, जो आपके जो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो यहाँ से आपके इनरोल पे आके इनरोलमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या कि आपने दे सकते हैं वो आपने जो प्रोफेशनल डिग्री ले सके BE/BTECH कर रखा है वो यहाँ से आवेदन करेंगे, इनको इनरोलमेंट करना पड़ेगा। और इस वाली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं apprenticeshipindia.org पे आपको वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पे आपको जो कि डिप्लोमा होल्डर है। ठीक है, वो यहाँ पे आप इसलिए आवेदन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको आवेदन करना, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको नंबर लेना है, उसके बाद ही आपको जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं जानकारी बता दिया है, ठीक है, इनके वीडियो भी बना रखे हैं, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।